वेलकम बैक टू तो माय चैनल और मैं हूं आकांक्षा और आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट टू जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग सो इस वीडियो में हम कंप्लीट नोट्स को कवर करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुका कि है कि असेसमेंट क्या होता है और एवेलुएशन क्या होता है सो so, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में कि असेसमेंट ऑफ़ लर्निंग होता क्या है इसके पर्पस इसके इंपॉर्टेंस एंड इसके नेचर के बारे में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक अप्रोच है जो कि स्टूडेंट के स्टूडेंट को असेस करता है उसको इन्फॉर्म करता है उसको इम्प्रूव करता है उसके लर्निंग प्रोसेस को इवेन टीचर्स को भी बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए उसको फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए और उसके रिव्यूज़ को चेकआउट करने के लिए कि बच्चे का डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कितना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसको अस करता है सो असेसमेंट फॉर लर्निंग डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट्स के स्किल का नॉलेज का और मेटाकॉग्रेटिव एबिलिटीज का मिसकॉन्सपन्स को आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट और एडोकेटर्स दोनों को ही ये हेल्प करता है टीचिंग स्ट्रेटीज को समझने के लिए सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कराना इसके है इसका इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्लानिंग है फोकस करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग एप्टीट्यूड पर मोटिवेशन मोटिवेशन भी प्रोफोस्टर करते हैं और एजुकेशनल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं एक्चुअली एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेन जो फंडा है किस तरह से पढ़ना चाहिए किस तरह से अपने आपको डेवलप करना चाहिए इम्प्रूव करना चाहिए ये सारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कवर हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल स्टूडेंट का जो गोल है या टीचर का जो गोल है उसको फुलफिल करने में भी हेल्प करता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका मेन जो पर्पस अगर हम पर्पस की बात पर्पस की बात करें तो पर्पस ही फीडबैक प्रोवाइड करता है लर्नर को उसकी लर्निंग के बारे में कि बच्चा क्या पढ़ा है कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा है अगर वो अच्छे इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको अच्छे इम्प्रूवमेंट फीडबैक uh, दिया जाएगा और अगर बच्चे में कुछ मिसकॉन्सैप्शन हुआ है डिस्क, अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में समझने में तो उसको क्लियरिफाई भी की जाएगी इसके साथ साथ वो एडजस्ट टीचिंग मेथड ऑफ टीचर टीचर्स के टीचिंग मेथड को भी एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं अलग अलग न्यू इंप्लीमेंटेशन इंक्लूसिव एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं लर्नर्स को इंडिपेंडेंट बनाता है और पार्टिसिपेट कराता है पीयर या सेल्फ असेसमेंट की एवलुएशन में पीयर एयर में स्कॉलब्रेटिव मिल साथ मिल के मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट साथ मिल कर के काम कर रहे हैं ये सेल्फ मतलब या फिर जो सेल्फ स्टडी होते हैं या फिर सेल्फ अपने आप को खुद से आंकलन करना या समझना वो आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया इसके साथ क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है इसका मेन पर्पज़ होता है और क्लासरूम के कल्चर में क्लासरूम को एक ऑर्डरफुली एक मैनरफुली एक सिक्वेंसअल अरेंजमेंट प्रोवाइड करने में कल्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है क्लासरूम का सो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के पर्पज़ के बारे में अगर इसके हम नेचर्स के बारे में बात करें तो एक फॉर्मेटिव है नेचर में ये कंटिन्यूस है मतलब लर्निंग हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है इसमें कोई रोक टोक नहीं होता लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है फॉर्मेटिव होती है नेचर में कॉम्प्रिहेंसिव होती है क्योंकि ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है और हर तरीके से करता है चाहे वो मेंटल कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल स्टर पर हो इफेक्टिव मतलब बिहेवियर स्तर पर हो या फिर साइकोमोटर हो जो भी हो ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है नेचर में कंटिनुअस होता है लर्निंग को और फॉर्मेटिव होता है इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक भी होता है नेचर में क्योंकि अगर जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर्स दे रहे हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे उसको फुलफिल करने का भी रिक्वायरमेंट टीचर्स का होता है अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो टीचर्स को डायग्नोस करते हैं मतलब उसको समझाते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये डायग्नोस्टिक होता है नेचर में इसके साथ साथ दे आर कल्चरली रिस्पॉन्सिव कल्चरली रिस्पॉन्सिव होता है मतलब इसमें लोकल कल्चर लर्नर को भी हेल्प करता है मान लीजिए कोई गार्जियन है या फिर कोई एक्सपर्ट एक्सपर्टीज़ है या फिर कोई प्रोफेशनल है उनके साथ भी एक कोलाब्रेशन एक आपस में बातचीत करके बच्चों को समझाया जा सकता है तो अब कल्चरली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं नेक्स्ट सी सी ए तो लास्ट वीडियो में मैंने सी सी ए के बाद सी सी एंड सी सी ई को बहुत अच्छे से कवर किए यूनिट वन में वीडियो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जा करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ यूनिट वन तो इसमें रिलेवेंसी बताया गया सी सी ए के बारे में सी सी ए होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसमें आपका कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है बच्चों का लर्निंग को लेकर के और ये ऑनगोइंग गोइंग है जो हेल्प करता है एजुकेटर्स को स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम ये आपका साथ इंक्लूड कर सकता है क्लासरूम का पार्टिसिपेशन इंक्लूड कर सकता है प्रोजेक्ट्स डेली असाइनमेंट्स तो ये सारे स्तर पे भी काम करते हैं आपका लर्निंग हो मोटिवेशन हो प्ले टाइम हो अंडरस्टैंडिंग हो कंसिस्टेंट हो पंचुअलिटी हो हर तरीके से पार्टिसिपेशन में ये आपका रिलेवेंसी हेल्प करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए तो आप इसे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऐड करके भी आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स एंड टेक्निक्स इन असेसमेंट फॉर लर्निंग कि क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए तो फर्स्टली है हमारा फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट सेकेंडली हम कवर करेंगे इन फॉर्मल मैथड्स तो फॉर्मल मैथड्स में जो हम कवर करेंगे वो है टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनर्स ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे फॉर्मल मेथड्स के लिए और पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन टॉकिंग या ओरल कह सकते हैं इसको इंटरव्यूंग और इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ हम कवर करेंगे इन फॉर्मल मेथड्स के लिए सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सो so फर्स्ट है हमारा फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट में हमारा पहला है ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को ऑब्ज़र्व करना उनकी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना उन्हें ऑब्जर्व करके उनकी स्टडी को उनके स्टडी टाइम को उनके हर एक चीज़ों को एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना अगर अनकट्रोल्ड बिहेवियर है तो उनको कंट्रोल करना उनके बिहेवियर्स को उनको एक्यूरेट, वैलिड और रिलायबल बनाना और एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब कि उनको एक अच्छे स्तर पे, उनको एक अच्छा तरीके से पढ़ाई के लिए मैं लर्निंग के लिए ऑब्जर्व करना सो so, एक एक अच्छी ऑब्जर्वेशन की खासियत यह है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए स्किलफुल एग्जीक्यूशन होना चाहिए और जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका अच्छा सा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मल मेथड है वो है टेस्टिंग टेस्ट क्लास में टेस्ट होते हैं होते ग्रुप डिस्कशंस होते हैं होमवर्क होते क्लास टेस्ट होते वर्कशीट होते जनरल होते पी रेवल्यूशन सेल्फ रेवोल्यूशन डिस्कस डिबेट ये सारे तरीके से हम किसी भी बच्चे का टेस्टिंग असेसमेंट कर सकते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बच्चे का परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है तो ये हमारा टेस्ट है और इसका मेन जो पर्पस है टेस्टिंग का वो हेल्प करता है मेरिट बना बच्चों में खासियत अच्छी चीज़ें खासियत लाने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, को ग्रेड स्टूडेंट्स में ग्रेड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ये बताता है कि जो लर्निंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या उनके बेनिफिट के लिए है कि नहीं है हर एक बच्चे को इक्वल वेटेज देता है और स्टूडेंट्स को क्लासरूम में मेंटेन करने में उनके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है तो ये टेस्ट उनका पर्पस हो गया नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है क्वेश्चन एड जो सेट ऑफ़ क्वेश्चन हम रेडी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन रेडी तो करना पड़ता है अगर हम पूछ रहे हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज़ योर नेम तो ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हम किसी से पूछ रहे तो एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चनस का ओपन क्वेश्चन होना चाहिए क्लोज क्वेश्चन होना चाहिए सेट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए जिसमें बच्चे एवरेजली हर को आंसर्स अच्छे से दे सके और वो दे नहीं पा रहे हैं तो उसको आराम से उसको सॉर्ट आउट करें उसको हेल्प करें। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड है पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन है जो सेम है जो हम स्टूडेंट्स को नेचुरली और अनफिल्टर तरीके से उस बच्चे के प्रोग्रेस को नोटिस कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल मेथड ये है कि टॉकिंग या ओरली मतलब किसी बच्चे से हम बात करके उनसे आपस में डिस्कस करके हम समझ पाए कि जो बच जो टीचर लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको किसी चीज़ कहीं दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही तो हम बात करके ओरली या टॉकिंग टॉकिंग से हम बात करके ये बच्चों का हम समझ सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यूंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे के साथ हम आपस में बातचीत करते हैं उन उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्या है क्या सोचते हैं उनको पसंद क्या है नापसंद क्या है वो किस फैमिली या कम्युनिटी या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो जनरली इंटरव्यू जो होता है वो किसी पर्टिकुलर दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होते है नेक्स्ट है हमारा इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ तो क्लासरूम के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो हेल्प करते हैं बच्चों के प्रॉपर्ली इम्प्रूवमेंट के लिए और जो बच्चों का गोल सेटिंग होता है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं सो so नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ टेस्टिंग तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में प्रोफिशियंसी टेस्ट के बारे में एंड प्लेसमेंट टेस्ट के बारे में कि ये सारे टेस्ट क्या होते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं तो फर्स्ट है हमारा अचीवमेंट टेस्ट ये बताता है कि जो टेस्ट जो हो रहा है वो कितने स्तर पर कितना अचीवमेंट रिकॉर्ड वो उसका हो रहा है हमने मेजर कर सके कितना अचीवमेंट बच्चे का हो पा रहा है सो so, डेफिनेशन है थॉर्न डाइक एंड हैक की द्वारा द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब अ पर्सन हैज लर्न टू डू हिज कॉल एन अचीवमेंट टेस्ट इसकी मेन जो क्वालिटीज़ होती है कैरेटिक्स या मेरिट कह सकते हैं वो है कि डिफ़िकल्टी लेवल को ये डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बताता है कि कितना कौन से डिफ़िकल्टी लेवल है कि एवरेज के लिए क्या है गुड बेटर बेस्ट के लिए क्या है डिस्क्रिप्टिव होता है और डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज और बिहेवियर को मेजर करने में हेल्प करते हैं इसके साथ साथ एक कंपरेबल टेस्ट भी होता है कि हम बचा पत, बता पाते हैं कि आप पहले आपका स्कोर था ये और अब आया है ये तो किसी बच्चे का इम्प्रूवमेंट हुआ है डिग्रेड हुआ है तो वो भी आपको अचीवमेंट टेस्ट से पता चल जाएगा इसका इसका जो हेल्प यूजेस है वो टीचर्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि टीचर भी क्लैरिफाई हो जाते हैं कि हाँ बच्चे ये टॉपिक पे क्लियर है समझ चुके हैं हेल्प करता हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और प्रोग्रेस करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में भी हेल्प करता है सो नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मैंने अभी पीछे भी, भी बताया था आपको डायग्नोस्टिक के बारे में सो so ये जो टेस्ट होता है जनरली जो, जो प्रोवाइड करता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है कि किसी बच्चे का स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है उसके डिफ़िकल्टीज या फिर डिफिशेंसी है किसी चीज़ में क्या है उसको स्पेसिफाई करने के लिए या ओवरकम करने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका मेन काम होता है करेक्टिव होता है नेचर में किसी प्रॉब्लम को करेक्ट करना और एजुकेशनल एजुकेशन education में हेल्प करना फ़ोकस करना और वीकनेस जो है गैप्स है उसको फुलफ़िल करना सो नेक्स्ट है प्रोफिशनसी सो प्रोफिशंसी टेस्ट होती है किसी किसी स्टूडेंट की ओवरऑल एबिलिटी कैसी है किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो उसको कहते हैं प्रोफिशियंसी टेस्ट की बच्चा डांस में बहुत अच्छा है लैंग्वेज में बहुत अच्छा है या फिर किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मैटर में बहुत अच्छा है तो प्रोफिशियंसी कितनी है उस किसी इंडिविजुअल लर्नर की उसको हम प्रोफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं सो यूज यूज़ज़ ऑफ़ टेस्टिंग टेक् टूल्स हमने देख लिया अब हम देखेंगे यूज़ेज ऑफ नन टेस्टिंग टूल्स में जिसमें पहला है हमारा अनालिस वर्वल एंड नन वर्बल एक्टिविटीज़ तो हर क्लासेस में वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ होती है वर्बल जो हमारे ओरली हम किसी से बात करते हैं और नॉन वर्बल जो हम किसी प्रजेंटेशन के थ्रू किसी ग्राफ पिक्टोरियल्स बुक्स के थ्रू जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारा होता है वर्बल एंड नॉन नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ का मेन जो पर्पस होता है वो क्लास में डिस्कशन करना कम्युनिकेशन करना प्रेजेंटेशन करना इंट्रैक्शन करना बच्चों को समझना अंडरस्टैंडिंग करना उनको तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हम मेरेट कह सकते हैं वो हॉलिस्टिक व्यू होता है कॉम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करता है एबिलिटी बच्चों को एक आउटस्पोकन बनने में हेल्प करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और ट्रेडिशनल टेस्टिंग से बिल्कुल परे होती है सो so नेक्स्ट है हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होता है वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शंस को क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस अपने आइडियाज अपने थॉट अपने एक्सपीरियंसेस को अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसका जो मेन मेरिट कह सकते हैं ये पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस को फॉस्टर करता है असेसमेंट राउंड्स को फॉस्टर करता है फिर आपका अवेयरनेस प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करता है तो ये होगा है हमारा होगा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो सो so, पोर्टफफलियो एक कंपाइल एक सोके होता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का वर्क किसी स्टूडेंट का वर्क या उसके बायोडाटा उसका डिजिगनेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक पूरा कुंडली निकालना कह सकते हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो तो जैसे हमारा रिज़ल्ट होता है तो रिज़ल्ट एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो ही होता है जिसमें स्टूडेंट के अकेडमिक डेटा उसमें मैंशनड होते हैं कि बच्चे ने इस सब्जेक्ट में ये स्कोर किया ये परसेंटेज है लास्ट उनका ये पर, परसेंटेज था रैंक था और अभी ये है सो so, ये हमारा पोर्टफोलियो होता है और पोर्टफोलियो से हमें पता चल पाता है कि बच्चे कितने ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं या नहीं कर किए हैं उनका अचीवमेंट कितना हुआ है उनका प्रेजेंटेशन, उनका एग्ज़ाम में जो स्किल था उनका डेवलपमेंट था वो कितना हुआ है ये सारा हमारा पोर्टफोलियो से पता चल जाता है नेक्स्ट है हमारा सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट जो खुद से अपना असेसमेंट करते हैं आंकलन करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट जो आपका सेल्फ अवेयरनेस को हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग और चैलेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं अपना प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं सेल्फ जजमेंट जजमेंटल भी बनते हैं और पी असेसमेंट में होते हैं कि दो लोगों के बीच में असेसमेंट होता है इसमें आपका कोलाब्रेशन इंक्रीज होता है पीयर इंट्रैक्शन होता है ऑनरशिप का इंक्रेज इं इंक्रेजमेंट होता है लर्नर्स को हेल्प करता है बियॉन्ड आइडियाज़ बियॉन्ड थाट्स को एक्सप्रेस करने का डिस्कशन करने का तो ये सर आपका सेल्फ़ एंड पीयर असमेंट है हमारा नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है रूब्रिक्स तो ये टूल है स्कोरिंग टूल है जो हेल्प करता है टीचर्स को स्टूडेंट्स के लर्निंग के बारे में ग्रेड पॉइंट करने के लिए स्कोरिंग को चेकआउट करने के लिए कि बच्चे कितना ज़्यादा कंटेंट नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं तो ये आप जो टीचर्स हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू या असाइनमेंट्स के थ्रू या बहुत सारे एग्जीबिशन आर्ट वर्क रिपोर्ट्स फाइल के सब के थ्रू वो अपना ग्रेड पॉइंट रूब्रिक्स मेंटेन स्कोर मेंटेन्स कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था एक कंपाइल फाइल होता है किसी लर्नर के बारे में इंडिविजुअल के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है इसका जो मेन मेन जो पर्पस होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं अचीवमेंट को मॉनिटर करते हैं और ग्रेड्स को डिटरमाइन करने में भी हेल्प और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन ये असेसमेंट है जो प्रोवाइड करते हैं लर्निंग में हेल्प करता है, है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को मिसकॉन्सैप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म करने के लिए ये कॉलेब्रेटिव लर्निंग इन्वॉर्मेंट में काम करता है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप में पीपल जो डिस्कस कर रहे हैं फोकस ले like के साथ उसको बोलते फोकस ग्रुप डिस्कशन सो ये था हमारा आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू